पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश लेकर इग्नू अध्ययन केंद्र पहुंची साइकिल यात्रा। भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से रविवार को सुबह गोपीगंज से निकाली गई साइकिल यात्रा में शामिल होकर इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक इम्तियाज अंसारी व काउंसलर सीमा सिंह ने लोगों को शिक्षा के साथ स्वस्थ जीवन और स्वच्छ वातावरण का संदेश दिया। कहा कि साइकिलिंग से हम अपने को स्वस्थ रखने के साथ पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। क्लब के अध्यक्ष अताउल के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 14 गोपीगंज से निकाली गई यात्रा का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसएस यादव व समाज सेवी बेचन सिंह ने किया। साइकिल यात्रा पड़ाव कठौता पावर हाउस होते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अध्ययन केंद्र पहुंचा। केंद्र के समन्वयक इम्तियाज अंसारी व काउंसलर सीमा सिंह ने सभी का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि साइकिलिंग क्लब का काम सराहनीय है। केंद्र के समन्वयक व छात्र छात्राओं के साथ साइकिल यात्री आसपास गांव का भ्रमण करते हुए वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। साइकिल यात्रा में संजय सिंह, रंजीत कुशवाहा, विष्णुकांत पांडे, मुश्ताक अंसारी, रवीश कुमार, नमरा नाज, सानिया, प्रवीण सिंह व अन्य लोग शामिल रहे। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। हम अताउल भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हमारे इग्नू अध्ययन केंद्र 48044 पर जो है हमारे इग्नू के छात्रों और हमारे कॉलेज के छात्रों के लिए आज साइकिल यात्रा का जो है एक आयोजन किए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जरा सा जो है दिखाइए, है ना, एक बड़ी संख्या, एक बड़ी भीड़ आई हुई है इग्नू के छात्रों की। और जो है हमारे सभी छात्र एकदम उत्साहित हैं और साथ में कुछ छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जिनको देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये जो है मुझे लगता है कि जो है ये साइकिल यात्रा एक इंकलाब बन गया है भदोही जिले का, और इसके इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे बड़े भाई अताउल साहब को जाता है। अताउल साहब जो है एक छोटी सी जो है मतलब चिलगाड़ी जलाए, आज ये जो है क्रांतिकारी रूप ले ली है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप भारत देश के युवा हैं और आप मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि आप खुद भी स्वस्थ होंगे, अपने समाज को भी स्वस्थ बनाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश, भारत देश विकसित देश कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए पहली बार ये योजना अताउल भाई ने चलाया, जिससे महिलाओं को और लड़कियों को घर से निकलने के, बाहर निकलने के लिए मौका मिला। हम लोग ये बहुत ही कठिनाइयों से बालिकाओं को निकाल कर और इस योजना में सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये साइकिल रेस के द्वारा मेरी बच्चियां भारत के कोने कोने तक पहुंचने का प्रयास करेंगी कि लड़के और लड़कियां ये पूरे भदोही जनपद का नाम करें और पूरे भारत में एक अलग ही इसका नाम पल्लवित हो और पुष्पांकित हो। महिलाओं का शेड्यूल तो बहुत बिजी रहता है, सवेरे से उठ जाती हैं और शाम तक उनको कोई फुर्सत नहीं रहती। बाकी सवेरे जल्दी उठ करके अगर आधे घंटे भी योगा वगैरह व्यायाम वगैरह कर लें तो बहुत अच्छा है। और बच्चियों के लिए तो ये है कि भाई वो साइकिलिंग करें तो साइकिलिंग जो है उनका जैसे आने जाने का साधन भी हो गया और एक एक्सरसाइज भी हो गया। साइकिलिंग जो है बेस्ट एक्सरसाइज है ही है।